हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफ मैथ सब्जेक्ट क्लास अर्थ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7. द एडजेसेंट फिगर एच ओ पी डब्ल्यू इज अ पैरेललोग्राम. फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड. स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज टू फाइंड. सो एंगल एच ओ पी प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल. सो एंगल एच ओ पी इज 110. हाउ एच ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. एच ओ पी इक्वल टू 110 डिग्री. ओके, एच ओ पी इक्वल टू एक्स क्यों हो जाएगा? बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. एच ओ पी की वैल्यू क्या है? एक्स है. एक्स इक्वल टू आ जाएगा 110 डिग्री. सो PHW इक्वल टू HPO क्यों हो जाएगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, जेड बन रहा है हमारा, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जेड 40 डिग्री आ जाएगी. नाउ एंगल WHO इक्वल टू एंगल O कह सकते हैं या PO. यहां पर कोई रेन नेम नहीं दे रखा है, तो ये पूरा एंगल जो हो जाएगा कितने का आ जाएगा हमारा? 70 डिग्री आ जाएगा. सो 40 प्लस जेड इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा. तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 70 डिग्री. जेड इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री. जेड इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री. अदरवाइज यू कैन फाइंड एंगल पी की वैल्यू कितनी आई हमारी? 40 डिग्री आई है. 40 और 110 कितना आ जाएगा? 150. सम ऑफ द ट्रायंगल, ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री. रिजल्ट निकल के आ जाएगा हमारा कितना? 30 डिग्री निकल के आ जाएगा.